ये वाला फैमिली पैकेट है, इसमें तकरीबन 15 लोग आराम से खा लेंगे। मैकरोनी बॉइल होगी। अच्छा ये देखें कितनी जबरदस्त है, तकरीबन 50% तक शिमला मिर्च गल चुकी है, तकरीबन ये 85-90% तक गल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब डालूंगी मैं ये रेशा की हुई बोटियां, इसको करना है मिक्स। जबरदस्त है, डाल दें। लास्ट वाली के क्या जबरदस्त। अभी मैं आपको खाकर बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। ये देखें कितनी ही जबरदस्त कैसी बनी है मीरा, बहुत ही मजेदार, वन ऑफ माय फेवरेट। दोस्तों क्या हाल है सबका, उम्मीद है सब ठीक होगा। दोस्तों आज मैं बना रही हूँ मैकरोनी, तो मैंने कहा आपके साथ रेसिपी क्यों ना शेयर कर दूं। मेरे पास चिकन बोनलेस नहीं था, और मिक्स बोनलेस भी है और ऐसे मिक्स भी है, हड्डी वाला तो दोनों यूज करूंगी। मैंने ये वाली पतीली आधी भर ली है, और ये आधा किलो चिकन है, हड्डियों वाला यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसके रेशे ही बनाने हैं, तो ये मैं डालूंगी इसके अंदर। देखिए मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिया, अब इसको मैं ढक्कन दे देती हूँ। इस पर मैंने 80% इस बर्तन को भर लिया है, क्योंकि मैंने बनानी है जंबो बिरयानी फैमिली पैक, अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो मैंने इसको जो भी पतीला होगा आपने 80% पानी से भर लेना है। तो मैं 1/4 कप इसके अंदर डालूंगी ऑयल। ऑयल डालने का मकसद ये है कि इससे जो मैकरोनी है ना वो जुड़ेगी नहीं। ये मैंने 1/4 जो है कप इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, मैं ढक्कन ताकि इसको बॉयल आ जाए। जैसे बॉयल आएगा हम लोग इसके अंदर डाल देंगे मैकरोनी। ये मैंने रख दिया पानी मैकरोनी बॉयल करने के लिए। ये मैंने रखा है चिकन, ताकि इसके रेशे करके हम चिकन जो मैकरोनी में ऐड करें। ये वाला जंबो पैकेट है, ये फैमिली पैकेट है, इसमें तकरीबन 15 लोग आराम से खा लेंगे। ये पूरा जंबो पैक बना रही हूँ अभी। यहाँ पर ये इसको बॉयल आ गया है, और मैं इसमें जब बॉयल आएगा अपने तभी ऐड कर देना। मैकरोनी बॉयल होगी। अच्छा मैकरोनी बॉयल होने का तरीका क्या है दिखाती हूँ। ये देखें अब इसको मैं ना आपको हाथ के साथ ही, अब ये गरम है, अभी मैं आपको हाथ के साथ इसको प्रेस करके दिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारी बिल्कुल बॉयल हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे छन्नी में। मेरा क्योंकि जंबो पैक था तो ये 3 छन्नियों में निकली है, क्योंकि खुली खुली आपने एक में सारी ऊपर नीचे नहीं डाली। इसमें कम से कम स्पेस हो ताकि हवा निकले। आपने जैसे ही इसको डालना है छन्नी के अंदर, आपने उठाना है इसको और पानी में ऐसे वॉश करना है, फौरन इसको वॉश करना है, वरना ये जुड़ जाएगी। जैसे ही गरम गरम आपने इसके अंदर डाली है छन्नी के अंदर, फौरन आपने सबसे पहले इसको पानी से धोना है। ये इसको पूरा अंदर तक जहां जहां हीट है नीचे से भी इसकी गर्माइश निकालनी है, और ऊपर से आपने पानी डालते जाना है। ये खुद डाल लेना है हाथ के साथ, अगर नहीं जा रहा तो बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए इसके अंदर हीट। ऐसे ठंडे कर देने, और पानी के साथ अच्छी तरह आपने तीनों को, जितनी भी है सारी मैकरोनी, आपने मैकरोनी को पानी के साथ वॉश कर ली। अब देखें ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ रहे। ये देखें कितनी जबरदस्त है, ये देखें क्या जबरदस्त बॉयल हुई है। ये देखें जबरदस्त। 25-30 मिनट हो गए और चिकन हमारा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बॉयल हो चुका है। करके देखती हूँ, ये देखें ये बन चुका है, ये जबरदस्त तरीके से टूट रही है, ये देखें जबरदस्त। चलें अब हम इसको सबको निकालते हैं और इसके रेशे करके मैं आपको दिखाती हूँ। फील हो रहा है कि हमने हड्डियों वाली बोटियों से हम लोगों ने रेशे बनाए। तो आप कोई भी चिकन यूज, जब बनाने ही रेशे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। बॉयल हो चुका है, मैकरोनी बॉयल हो चुकी है, दोनों को रख दिया है, चिकन के रेशे कर दिए हैं, और मैकरोनी को पानी से अच्छी तरह ठंडा करके उसको रख दिया ताकि वो जुड़े ना। अगर आपको देर हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने फिर मतलब डालने से पहले एक बार पानी से धो लीजिएगा, वक्फे वक्फे से पानी से धोते रहें ताकि वो जुड़े ना, वो फिर भी जुड़ जाती है अगर आप वैसे पानी से धो के भी रख दें। अच्छा मैंने इसमें 1/2 कप ऑयल डाल दिया है, 1 आपने कटा हुआ प्याज इसके अंदर डाल देना है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच आपने वो डाल देना है,
एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके अलावा एक छोटा प्याज, थोड़ा सा हल्का सा ये पिंकिश हो आपने फौरन इसके अंदर अदरक लहसुन का एक चम्मच पेस्ट डाल देना है। ये बस 3 सेकंड हो गए, आपने फौरन इसके अंदर 1 किलो आपने गाजर डाल देनी है। इसको करते हैं हम मिक्स। को मीडियम फ्लेम पर इस ढक्कन दूंगी ताकि थोड़ा सा ये अंदर से हो जाए, फिर फौरन हम लोग दूसरी सब्जी डाल देंगे। तकरीबन ये 50% गल चुकी है। इसका तरीका मैं बताती हूँ, हमने नहीं 80% गलानी क्योंकि अभी हमने शिमला मिर्च डाली, बंद गोभी डाली, ये है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको खा के आप चेक कीजिएगा, इसका ना थोड़ा क्रंच होगा, यानी कच्ची तो ये है लेकिन थोड़ी थोड़ी टूटेगी भी अगर धक्के से इसको तोड़े ना। अब खा के इसके थोड़ा सा इसका क्रंच रहेगा, ये इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। ये देखें टूट रही। साथ ही आपने डालनी है 1 किलो शिमला मिर्च, हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको करेंगे मिक्स। अब इसको भी आपने 50% तकरीबन 50% हो जाए आपने फौरन इसकी, क्योंकि फिर हमने बंद गोभी भी गलानी है, तब तक वो 80% गाजरे हो जाएंगे। अब जैसे ही 50% शिमला मिर्च हो जाएंगी, हमने फौरन इसके अंदर डाल देनी है बंद गोभी। अब इसका इंतजार है, अब जल्दी से ये हो जाए। 50% तक शिमला मिर्च गल चुकी है, अब मैं डालूंगी बंद गोभी एक छोटा फूल, ऐसे कट करके इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। अब ये लास्ट सब्जी है, इसको मैं करती हूँ मिक्स, और इसको भी आपने तकरीबन 70-80% तक गला लेना है। फिर बाकी चीजों के साथ भी, जैसे हमने चिकन डालना है तो वो भी इसके अंदर थोड़ा फ्राई हो जाएगा, तो ये जल्दी गल जाती है। ऑयल ज्यादा डालने का मकसद ये था कि यार एक तो चीज खड़ी खड़ी रह जाए, ऊपर से सब्जियां अच्छे से गल जाए ना, जरूरत से ज्यादा आपने इसके अंदर डालना है ना आपने इसके अंदर कम डालना है। तकरीबन ये 85-90% तक गल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और जो भी चिकन आपने इस टाइम पे डालना है फिर डालेगा, फिर बिल्कुल 100% सब्जियां हो जाएंगी, क्योंकि ये 2-4 चीजें और भी तो फ्राई करनी, फिर उनके साथ भी फिर बिल्कुल भप्पा ही ना बन जाए अगर 100% अभी कर लेंगे। तो ये तकरीबन 90% हो गई है। अब ये अब डालूंगी मैं ये रेशा की हुई बोटियां, इसको करना है मिक्स ऐसे 30 सेकंड के लिए ना, इसके ऊपर ढक्कन देने की जरूरत नहीं है, आपने 30 सेकंड के लिए बस इसको मिक्स कर लेना ताकि थोड़ी सी फ्राई हो जाए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1/2 कप जो है वो केचप है। अच्छा, सिरकों का क्या हिसाब है? 1/2 कौली, उससे आधा उससे कम, यानी 1/4 तक आ जाना है, ठीक है? अगर आप बड़ा पैक जम्बो बना रहे हैं, आधी उससे आधी, फिर सब उससे भी आधी, यानी 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा, फिर आधी तक, यानी 1/2 तक आ गई, यानी इसका ये हिसाब है। केचप जो है वो मैंने तकरीबन 1/2 कप है, आप 1/4 अगर थोड़ी यूज कर रहे तो 1/4, अगर ज्यादा केचप मुझे पसंद है तो मैं 1/2 कप इसके अंदर डालूंगी। अच्छा, मसालों में आपने क्या करना है? अच्छा जी, मसालों में आपने लेना है 1 चम्मच लाल दादड़ी मिर्च, 1/2 चम्मच लाल पीसी मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिर्च और 1/2 चम्मच नमक। मैं डालूंगी सिरके, सबसे पहले 1/2 कप सफेद सिरका, उससे 1/2 चिली सॉस, उससे भी 1/2 कप आपने डालना है इसके अंदर सोया सॉस, उसके बाद सारे मसाले। हमने सबसे आखिर में डालनी है, अभी केचप नहीं डालेंगे, मैक्रोनी डालने के बाद, जो बॉइल्ड मैक्रोनी है वो डालने के बाद हम लोग केचप डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने जो इसकी फ्लेम है ना वो लो कर देनी है। मसाले डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे मैक्रोनी, अब पानी के साथ थोड़ा वॉश करें ताकि जुड़े ना। अभी भी देखें, ये देखें कितनी जबरदस्त है, डाल दें। दूसरी छन्नी चलेगी, अब तीसरी छन्नी, ये लास्ट वाली, अब हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, इसको मिक्स करके ना आपने इस स्टेज पे भी चेक कर लेने कि स्पाइसी अगर जिनके कम है वो तेज कर लें। मिक्स करने के बाद हम लास्ट पे डालेंगे केचप, उसके बाद सिर्फ इसको हल्की आंच पे 2 सेकंड के लिए दम देंगे ताकि थोड़ा रच मच जाए, उसके बाद हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है।
आप दूसरी कर ले सिंपल। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी थोड़ा मिक्स कर दिया दो केचप को, मेरे पास पड़ी थी तो मैंने कर दिया, आपके पास नहीं है तो आप जो भी केचप पड़ी है वो डाल दें। केचप हमने डाल दिया, अब हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छा जी, अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको दो मिनट के लिए हल्की आंच पर दम देना है। आपको कर देती हूँ बंद, इसको दोबारा से करती हूँ मिक्स। क्या जबरदस्त है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। करती हूँ मिक्स, ये देखें क्या जबरदस्त माशाल्लाह। एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। देखिएगा बहुत बहुत ज़बरदस्त है, हर चीज़ घर में आपके अवेलेबल होगी। बिल्कुल देसी स्टाइल से मैंने बनाई है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनाई है। ये देखें क्या ज़बरदस्त है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार यार लग रही है। देखने में इतनी मज़ेदार लग रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। अभी मैं आपको प्लेट्स में सर्विंग करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त यार बनी है, बहुत आला। क्या ज़बरदस्त, क्या खूब है यार, कमाल हो गया। अभी मैं आपको खाकर बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त। उम्मीद है आपको चिकन मैक्रोनी की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी सना फूड मीडिया पर, तब तक अपनी बहन सना को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।